सो हेलो गाइस, दिस इज करण तनवर और आज के इस वीडियो में हम उन बेस्ट 5 कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें करने के बाद आप अपने करियर में अनलिमिटेड ग्रोथ और गाइस मनी को अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज एंड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट गाइज आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, इसीलिए आज के वीडियो स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी एक अच्छी सी आईटी कंपनी और गाइज एक एमएनसी में प्लेसमेंट ले सके और गाइज अपने करियर में एक्सेल कर सके और गाइज अनलिमिटेड मनी और गाइज ग्रोथ को अचीव कर सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों, पहला बेस्ट कोर्स IIT मद्रास की तरफ से है, जिसमें आप ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में आपको डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही मिलता है, यानी कि आप प्रोग्रामिंग या डेटा साइंस में 8 महीने का या 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। वहीं गाइस आप 3 साल की डिग्री भी, यानी कि प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में एक BSc डिग्री भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से भी हैं तो गाइस आप इस कोर्स में कम्प्लीटली एंड डेफिनेटली गाइस इस इनरोल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस प्रोग्राम में इनरोल करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपको 10th क्लास में आपने मैथ्स और इंग्लिश पढ़ी हुई हो और गाइज आपने 2 ईयर्स की किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई हो, जिसका मतलब अगर गाइज आप 3rd ईयर में या आपने 3rd ईयर भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स IIT मद्रास प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी सेम IIT का ही है। गाइस सेम आपको टीचर्स मिलेंगे, सेम आपको असाइनमेंट्स और गाइस प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, ताकि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर प्रोग्रामिंग में बनाया जा सके और एक फुल, अगर आप डिप्लोमा करते हैं डेटा साइंस में, तो गाइस आपको एक फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट भी बनाया जाएगा। तो गाइज IIT मद्रास की डिग्री और डिप्लोमा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। एंड गाइज यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी जैसे कि IITians को मिलती है, वैसे ही आपको भी दी जाएंगी और गाइज डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप भी एक IITian ही कहलाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आप अगर डिप्लोमा में इनरोल करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिग्री 3 ईयर्स की करना चाहते हैं तो गाइज आप प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में 3 ईयर्स की डिग्री पर सिलेक्ट करके आप उसका एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइज जो वीकर सेक्शन से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो फीस है उसमें रिडक्शन हो जाती है। सो गाइज नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। गाइज प्रोफेसर बनना चाहते हो बट PhD करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, सो क्या ही करें, तो डोंट वरी गाइज, आप MA के बाद भी प्रोफेसर बन सकते हैं। बस आपको गाइज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद MA करनी है और गाइज मिनिमम मार्क्स आपको MA में 55%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मार्क्स लाने होंगे। वहीं अगर आप SC ST या किसी भी OBC से ग्रुप से हैं तो गाइज आपको 50% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। वहीं गाइज उसके बाद आपको UGC NET का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को गाइज आपको क्लियर करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स से, और आप उसके बाद किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप MPhil और PhD करके एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि परमानेंट प्रोफेसर भी आप वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर 50-70,000 मंथली सैलरी आपको आराम से मिलेगी। गाइज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है डिप्लोमा इन लैंग्वेज कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। दोस्तों, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज में जैसे कि स्पेनिश, जैपनीज और गाइज फ्रेंच में आप 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और गाइज इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आप किसी भी एम्बेसी में और गाइज किसी भी MNC में एज ए ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और गाइज इंटरनेशनल सेल्स मार्केटर भी जॉब कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलने का और गाइज उन्हें लर्न करने का शौक है तो गाइज आपके लिए कोर्स बेस्ट है, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। गाइज आप 12th के बाद भी किसी भी लैंग्वेज कोर्स में 3 ईयर्स की डिग्री भी ले सकते हैं और उसके बाद एडवांस्ड डिप्लोमा अगर आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज कोर्सेज को करने के बाद भी आप एक अच्छी खासी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए ग्राउंड लेवल पर वर्क करना चाहते हैं और गाइस सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, सो दोस्तों आपके लिए यूपीएससी जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और गाइस आरआरबी जैसे रेलवे, गाइस आप इन नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम्स को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब्स में अपना करियर बना सकते हैं और गाइस अनलिमिटेड ग्रोथ आप अचीव कर सकते हैं। सो गाइज ये थे वो 5 कोर्सेज जिन्हें करने के बाद आप अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं और अनलिमिटेड ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज और कोर्सेज आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गाइज अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अपनी क्वेरीज को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक टॉपिक पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं किसी कोर्स पर, तो गाइज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।